ले लेता है। हिंदू बुजुर्ग का मुस्लिम परिवार ने किया अंतिम संस्कार, जनता ने भी दी भावुक प्रतिक्रिया। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट ने दावा किया कि जब मुस्लिम परिवार के लोग राम नाम सत्य है का उच्चारण करते हुए अर्थी लेकर निकले तो लोग देखते रह गए। पटना के राजा बाजार में 25 साल तक मुसलमान परिवार के साथ रहने वाले 75 साल के रामदेव का निधन हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम परिवार ने पूरे हिंदू विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। दरअसल 25 साल तक मुस्लिम परिवार में रहने वाले रामदेव नाम के बुजुर्ग का निधन हो गया। वो इस परिवार के साथ एक सदस्य के तौर पर 25 साल तक रह रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी आखिरी विदाई में इस परिवार ने हिंदू रीति रिवाजों का पूरा ख्याल रखा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार परिवार के एक सदस्य मोहम्मद अरमान ने बताया कि जब सालों पहले रामदेव से जब उनकी मुलाकात हुई तो काफी भूखे प्यासे थे। मैंने उनको खाना खिलाया और अपनी दुकान पर सेल्समैन के तौर पर रख लिया। परिवार बढ़ता गया और उस परिवार का हिस्सा रामदेव भी हो गए। ऐसे में ये मेरी जिम्मेदारी थी कि उनकी आखिरी विदाई सम्मान से हो। सोशल मीडिया पर इस खबर के आने के बाद जनता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक सोशल मीडिया यूजर ने ट्वीट करके लिखा, भारत राष्ट्र को फिर से अखंड बनाना होगा, राजनीति ने बांट दिया है। एक और सोशल मीडिया यूजर ने ट्वीट करके लिखा, इनके जैसा बनो इतना क्यों झगड़ना, शांति से क्यों नहीं रह सकते, थक नहीं गए आप इतने सालों से लड़ते लड़ते। एक और सोशल मीडिया यूजर ने ट्वीट करके लिखा, ये भाईचारे की एक अच्छी मिसाल है, देश को ऐसे ही भाईचारे की जरूरत है। एक और सोशल मीडिया यूजर ने ट्वीट करके लिखा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिसके यहाँ काम करता था तो कंधा दे दिया, मतलब आपकी नजर में मुस्लिम हिंदू ही रहता है, क्या कभी आपको हिंदू परिवार कब्रिस्तान में नहीं दिखा, ये इंसानियत नहीं होती, क्यों छोटी सोच रखते हो, कोई न्यूज नहीं मिलती तो मेरे ट्वीट पढ़ लो, रोज नई खबर बना लो जी। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल न्यूज आप तक पहुंचती रहे।